रोना मत भैया, रोना मत, आंसू गिर रहा है भैया, रोना मत। कैसा लगा? आपकी बताने के लिए लेकिन एकदम परफेक्ट है। मुझे हमको भी कोराइंग करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मैंने भात नहीं खाया। मेरा बाइक चिकना हो गया, गोरा हो गया, देख सकते हो। और ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये बुधवार का बाजार है नेपाल में। पर मैं हम लोग आज घर जा रहे हैं पातीभारा से। ये है बुधवार का नीचे का नजारा। यहाँ से हम लोग बिरता मोड़ निकल के ऐसा करके बॉर्डर क्रॉस के जाएंगे। हम लोग यहाँ पर पानी टैंकी में भी फैन मिल गया। हाँ, लेकिन फैन काफी सिक्स पैक निकलाया हुआ है। शोल्डर का है मेरा फैन, लोग देख सकते हो। जा रहे टूर में, थैंक यू, इतना दूर दूर से देखते हो, धन्यवाद। ओहो, पानी टैंकी में 2-2 फैन मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना दूर से देखते हो। सो गाइस, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। कल भी मैं बाबू भैया से मिलने गया था, ठीक है। एंड बाय द वे आज आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन थोड़ा हाइट है। हाँ, थोड़ा हाइट है। ओके, बाय द वे मेरा यूट्यूब चैनल है द ब्लॉगर अमित, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, जाइए जाइए। और आज पूरा हम लोग क्राइम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग नेपाल छोड़ के आज हम लोग का भी छुटनाम होने वाले हैं। और ये भैया है ना दाढ़ी वाला, जो तमिल लफड़ा करता है, बहुत खतरा गाड़ी चलाता है रे। पहाड़ में ऐसा ऐसा घुमा के घुरा रहा था। ये भैया भी चलाता है, लेकिन हमारा ये मालिक है गाड़ी का, 50 लाख गाड़ी का। और बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, इले फोड़ा फोड़ा फोड़ा, थैंक यू बोलो ना। तामिल इले तामिल, शुक्रिया शुक्रिया। और ये हमारा मालिक है। तीनों ने हमको कष्ट करके काठमांडू पूरा घुमाया। यहाँ तामिल भी सीख लिया, इले फोड़ा करना ही सीख लिया। इसलिए फिर से हम लोग जहाँ पर क्या खाए थे मोदी जी, वहाँ पर आ गए। और यहाँ पर देख सकते, गाड़ी देख के तो पता लगाओ आप लोग कितना बड़ा आदमी लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आता है। वहाँ स्टाफ लोग और मेरा जैसा सीनियर लेवल वाला आदमी लोग भी आता है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पे आके आज हम अपना डेस्टिनेशन ख़त्म कर रहे हैं। इसी होटल में आया, यहीं से हम लोग शुरुआत किया था। और मेरे साथ मिस्टर अजय छेत्री जो कोऑर्डिनेटर है, तो इनका बहुत धन्यवाद, जिसने इन द्वारा हमारा जो भी तीर्थ स्थान हम लोग जहाँ से भी घूम के आया, सफल घूम के आए। और होटल का नाम रेस्टोरेंट, पता नहीं यार, अंदर जाएंगे फिर से। तो भैया चाची लोग मोदी ने क्या खाया था वहाँ पर चाय खा रहे हैं। भाग्य नसीब वाला आदमी लोग ऐसा होता है। चाचा का भैया है, इतना सक न सक के कष्ट करके भी पूरा हम लोग नेपाल घूम के आ गए, देख सकते हो। आप लोग भी घूमना चाहते हो लाबो, कितना अच्छा गया था, कितना अच्छा से आ गया हम लोग। हाँ, बुढ़ापे में भी हम लोग दर्शन करने के लिए। आज 9 दिन हो गया इनका किया हुआ, आज 9 दिन से इनका विदाई है। और हम लोग अपना अपना घर जा रहा है। और थोड़ा रोएंगे ना? हाँ, नहीं बेसी नहीं रोना है, थोड़ा रोना है। हाँ, बेसी नहीं रोना है। धन्यवाद। हम लोग जिस दिन यहाँ जा रहा था उस दिन हम लोग यहाँ पर चाय पिया, खाना खाया। आज हम लोग चाय पी करके विदाई हो रहा है। और यो यहाँ पर जो गाड़ी लोग आते हैं ना चाय खाने के लिए, देखो यार कितना बड़ा गाड़ी लोग आता है। मैं नौलबारी का जो मोदी जी ने चाय खाया था उसका सामने देख के यहाँ पर विभिन्न यानी कि डिफरेंस कलर का गाड़ी लोग देखने के लिए मिलता है। यहाँ का आदमी लोग कितना नसीब वाला होगा ना, जो 12 चक्के, 20 चक्के, 24, 30 चक्के गाड़ी मिलता है। और यहाँ पर जो गाड़ी आता है ना, रेंज रोवर आ रहा है साथ। यहाँ पर देख सकते हो रेंज रोवर लोग आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसा जगह में शायद मेरा घर होता था। हमारा घर तरफ तो खाली बैटरी वाला रिक्शा मात्र चला जाता है, तो वो भी। और हमारे चाची को बाय बाय बोलने वाले हैं। चाची लोग ने बहुत कष्ट किया, रास्ते में कुछ नमकीला खिला रहा था बना के। हम लोग का ये जो था ना हमारा टूर, उस टूर का लास्ट है। और हम लोग लास्ट सीट से हम लोग सबका परिचय दे रहा है। और हम लोग आज लास्ट है। और हेलो गाइस बाय, थैंक यू फॉर जो ये बेड देख सकते हो ना, यहाँ भैया सोया था। बेटले भैया यहाँ पर, ये भैया है ना, रात को यहाँ पर सोया था। अच्छा, दिन के साथ सोया है। बाय बाय। और चाचा का भी बाय बाय। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। रोना मत भैया, रोना मत, आंसू गिर रहा है भैया, रोना मत। हाँ भैया, रोना मत। अभी हमारा ट्रिप खत्म और लास्ट वीडियो भी यही होने वाला है हमारा। 2 बजे को धन्यवाद, बाय बाय। अरे यार भैया बोलने नहीं सक रहा है, भैया मत रोना। हमको भी कोराइंग करने का मन कर रहा है, लेकिन अभी मैंने भात नहीं खाया इसलिए मैं रो नहीं सकता ना भैया। हम लोग भूखे हैं इसलिए हम लोग रो नहीं सकता, नहीं तो भैया हम लोग गुहार करके रोते। लेकिन आप लोगों ने किसी ने भात नहीं खाया इसलिए हम लोग रोने नहीं सकते। भैया मत रोना। हाँ। और फाइनली मैं गाँव में आ गया है। और ये उसी जगह है जहाँ पर मैं फेवरेट बोलता था। और मैं 2 दिन से जरा सारा धो के रखा हूँ, धोया नहीं हूँ। वाला है ना, बहुत लेथरा हो रहा है। और मैं इतना दिन गांव में नहीं था, पीछे वातावरण वो देख सकते परिस्थिति हालात देख सकते हो गुस्सा में कितना। सूरजा सूरजा भगवान रघुवीर किधर चला गया, अभी कहाँ गया विमल, वीडियो नहीं बना रहा है हमारा गाँव में बोल के। आ गया भगवान में आ गया, अब डेली ब्लॉग आएगा फिर से। जो सोनी देवाल है पूरा लेथरा हो गया है और इसका आगे का जो चक्का है इसका बेयरिंग आज चेंज करेंगे और इसका जो मोबिल होता है उसको चेंज करेंगे और इसको वॉश करेंगे, उसका बाद मैं भी धूँगा। और ये वही पुराना ड्रेस है। बाइक अभी तक नहाया नहीं ना, इतना दिन मैंने नहीं नहाया ना, 9 दिन 10 दिन हो गया, इसलिए ये थोड़ा गंदा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहाएंगे क्योंकि ये नहाने से बहुत हल्का होता है। इसका भी बहुत नहाने का मन हो रहा है, शायद हम लोग नहा देंगे यार, सबका इच्छा पूरा कर रहा है। और यहाँ पर जो सोनी देवाल का प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसको हम लोग खोलेंगे उसके बाद ठीक करेंगे, नहीं तो पूरा गाड़ी का जर्किन होता है, बहुत हिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत दिन हो गए। और सोनी देवाल का नहाने का था लेकिन 5 मिनट रुको बोला है, हम लोग पहले यहाँ बनाएंगे और इसका मोबाइल चेंज करेंगे। इसी हमारा पहचान भैया वाले का आगे कभी कभी तो डिस्काउंट कर देता है ना भैया, लेकिन आज डिस्काउंट होगा ना, नहीं होगा भैया? हो जाएगा ना, 2 रुपये 3 रुपये हो जाएगा भैया, तो बहुत खतरा है, घड़ी घड़ी 5-10 रुपये भी डिस्काउंट कर देता है। जो ये देख सकते हो ये सोनी देवाल का पेड़ है और हम लोग यहाँ बियरिंग चेंज कर रहे हैं, पर भैया बोल रहे ये चक्का का टायर का प्रॉब्लम है, एक साइड यहाँ पर फूल गया है और उस साइड नहीं फूला हुआ है, इसके कारण से वो घचक घचक कर रहा था। हम लोग बेयरिंग भी चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा सोनी देवाल को बहुत हमने घोड़ा जैसा उठाया है ना यहाँ पर। और हमारा न्यू मैकेनिक यहाँ देख सकते हो काफ़ी हैंडसम है अभी का मैकेनिक पहले से। और जो ये सोनी देवाल का था इतना ही निकला यहाँ पर, तेल देख सकते हो। मेरा गाड़ी सोनी देवाल का नाम भी बताते और यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मेरा बाइक ना इतना दिन के बाद यहाँ पर नहा रहा है। और ये ना हम लोग 80 रुपया दे के बाइक को नहा रहा है यहाँ पर, ये भाई ने 80 रुपये लेके यहाँ नहा रहा है बाइक को। भाई अच्छा से नहा देना, उसका पिछवाड़ा भी धो देना, पीछे का चक्का, पिछवाड़ा नहीं पीछे का चक्का धो। और यहाँ पर देख सकते हो पूरा प्रेशर दे के नहा रहा है। आज एक सपना पूरा हो गया, मैं पैसा दे के बाइक को यहाँ नहा रहा हूँ, देख सकते हो सोनी देवाल को। उसको बाइक को चेक करने के लिए दे रहा है क्योंकि ये बाइक ना बहुत कैसा हल्ला करता है भाई, ये शेर का तरह हल्ला करता है। हम लोग को ऐसा चाबी लगाना पड़ेगा, हो गया। अब यहाँ पर भाई दिखाएगा हमको न्यूट्रल लेना, देख लीजिए न्यूट्रल चला गया। वो तो गया 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 तेरा भाई गया। कैसा लगा? हाथी के दाने के लिए लेकिन एकदम परफेक्ट है, मुझे पता चल गया है यहाँ पर। अगर आप हाथी के दाना चाहते हो तो भाई में आके यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो बाइक, ऐसा हाथी के दाने में बहुत मजा लगता है, मुझे पता चल गया है। और मच्छर भगाने में भी शायद बहुत खतरा है यार, बुलेट भी ऐसा सा आवाज नहीं निकालता है यार। पर हमने चला लिया, काफी हाथी खेदाने में मजा लगता है भाई, हाथी जब आएगा तो लेके जाना ये बाइक। आप लोगों के गांव में हाथी आता है, मेरे गांव में भी आता है, लेकिन मैं भी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर पंप मार रहा है हमारा भाई, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। ओहो देख सकते हो काफी बर्फीले हवा जगह में जैसा होता है ना, सेम वैसा ही हो रहा है यहाँ पर नजारा। वाह भाई अभी मेरा बाइक चिकना हो गया, गोरा हो गया, देख सकते हो भाई कलर चेंज हो रहा है, देख सकते हो इशाला भाई सफेद सफेद कलर का कुछ निकल रहा है भाई। हमको भी मारने से ऐसा हो जाएगा ना, हम भी दे रहा है। ओहो आप बाइक धोना चाहते हो तो गोरेजार भाई, नाम क्या है? नंबर 1 गोरेजार, नंबर 1 गोरेजार, उसका नाम क्या है? विकास। विकास का जगह में आ सकते हो, ऐसा साबुन लगा लगेगा आपको यहाँ। भैया आपका भी हाथी खेदाने वाला बाइक है क्या? भाई का भी हाथी खेदाने वाला बाइक जैसा लग रहा है मुझे। ये मच्छर खेदाने वाला बाइक है ना भाई, ये मच्छर खेदाने वाला बाइक है क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर सफेद सफेद यहाँ पर दवाई निकल रहा है ये मच्छर खेदाने वाला और हाथी खेदाने वाला। वहाँ ये भैया का जो ये है ना, हम भाई का नाम क्या है? RX 100 का मच्छर खेदाना चाहते हो तो ये लगाना ना भैया, मच्छर यहाँ धुआं फेंकता है। और जो हाथी खेदाने वाला भैया एक बार ट्राई करके देखो, हाथी कैसा भागता है, देख लिया ना। हाथी खेदाने के लिए भी बन जाएगा और मच्छर खेदाने के लिए भी बन जाएगा। पूरा यहाँ पर हमारा यहाँ पर पूरा फायदा होता है, मच्छर भी भागता है, हाथी भी भागता है। अगर मच्छर खेदाना चाहते हो तो ये वाला लगा लेना। अभी हाथी खेदाने चला गया भाई, और मेरा बाइक देख सकते हो यहाँ पर काफी इतना हैंडसम हो गया, क्यूट हो गया। अभी स्कूटी लोग शायद लाइन पीप करके लाइन मारेगा मेरे बाइक को, सनी देवाल को।